अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूँ राना अदनान मुदस्सर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92 321 7000 387। मैं कॉन्टैक्ट नंबर कोशिश करूँगा स्क्रीन पर भी इंशाल्लाह आप लोगों को दें। यूट्यूब पर जो हमारी वीडियो अपलोड होगी उस पर स्क्रीन पर भी ये नंबर दिया गया होगा। आप लोग कॉल करें, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना चाहें, ईमो, किसी भी कम्युनिकेशन सोर्स से अगर आप लोग अप्रोच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। इस वीडियो क्लिप के अंदर हम लोग बात करेंगे 75 स्क्वेयर यार्ड्स रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से, जो बहरिया टाउन की नई डील है। बेसिकली इस डील को लेकर शाहिद महमूद कुरैशी साहब, जो कि कंट्री हेड है बहरिया टाउन के, उनकी तरफ से कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी और कुछ करेक्शंस उन्होंने की, जो मार्केट में र्यूमर्स थे या कुछ नेगेटिविटी पे बातें हो रही थी, प्राइस बहुत ज़्यादा थी उस हवाले से बात हो रही थी। तो इस पर मैं थोड़ी सी आप लोगों को गाइडलाइंस देना चाह रहा था, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स में से जो लोग डील लेना चाह रहे हैं या मतलब इसके बारे में इंटरेस्टेड थे, ओवरऑल इस पे प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं कि जो 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट की बात हो रही थी, वो 2.95 यानी 2,95,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट, उसको रिड्यूस करके 2,95,000 रुपये कर दिया गया। मैनेजमेंट ने पब्लिक रिस्पॉन्स देखा और ओवरऑल डीलर्स एसोसिएशन से भी कुछ मशावरत की, और मैनेजमेंट ने इंटरनल भी मीटिंग्स की, और उससे जो भी रिस्पांस सामने आया डील के बारे में, तो उन्होंने इसको पॉजिटिव करने के लिए डाउन पेमेंट को कम कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकें इसको और इसमें पार्टिसिपेट भी इंशाल्लाह करें, ताकि हर बंदा जो जिसका इनकम लेवल कोई भी हो, वो ओवरसीज़ है या लोकल पाकिस्तानी है, उसको अफोर्ड कर सके। और इसकी टोटल प्राइस के बारे में बता दूँ, पहले 17,50,000 रुपये समझ में आ रही थी या लोग डिस्कस कर रहे थे, र्यूमर्स थे मार्केट में, लेकिन अभी इसको करेक्शन करके रिड्यूस करके 16,75,000 रुपये पे कर दिया गया। और इसकी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनती है वो 86,000 अप्रॉक्सीमेटली बनेगी, जो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स आप पे करेंगे। और इसकी बुकिंग हासिल करने के लिए इसके जो आसान तरीका दिया गया है, उसके फॉर्म्स आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड करके बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड का पे ऑर्डर बनाएंगे 2,95,000 का, और अपनी 2 पिक्चर्स, 2 ID कार्ड की कॉपीज़ और नॉमिनी के ID कार्ड की कॉपीज़, अपना ईमेल एड्रेस लिखें फॉर्म के ऊपर, जो पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं उसको आप फिल करेंगे और बहरिया के किसी भी हेड ऑफिस में जाके आप जमा करवा सकते हैं, या ऑल ओवर पाकिस्तान जो ABL यानी अलाइड बैंक्स हैं या UBL यूनाइटेड बैंक्स हैं, वहाँ पर आप लोग इसको डिपॉज़िट कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, आपके ये फॉर्म्स एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। और जो प्रायोरिटी वाइज आप कॉर्नर पार्क फेस, मेन बुलेवार्ड या इस तरह की जो प्रायोरिटी सेट करेंगे, वो भी फॉर्म के ऊपर ये दिया गया है, कैटेगरी डिफाइन कर दी गई है, आप उसको भी प्रायोरिटाइज करने के लिए उस पर टिक कर सकते हैं। और याद रहे कि 10% एक्स्ट्रा अमाउंट भी इस कैटेगरी के लिए चार्ज भी की जाएगी। और इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि बहरिया टाउन में डील को किस तरह से आपने लेना है। देखिए, डीलर्स को इन्वॉल्व करने की वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है, एज ए कस्टमर आपको किसी भी डीलर, किसी भी एजेंट को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। बहरिया टाउन ने इस दफ़ा बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप लोग डायरेक्ट बहरिया टाउन को अपना पैसा जमा करवा सकते हैं, अपनी फाइल और डाउनलोड करें आप वेबसाइट से, बहरिया टाउन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लिंक्स हम आपसे शेयर करेंगे, आप उसको ओपन करें, डाउनलोड करें, फिल करें और बहरिया टाउन के पे ऑर्डर के साथ उसको जमा करवा दें। लेकिन फिर भी एनी हाउ अगर आपको हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, ऑल ओवर पाकिस्तान, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, हर जगह पर डीलर्स, एजेंट्स मौजूद हैं, आप लोग हेल्प ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी असिस्टेंस लेंगे, आप उसके लिहाज से आप लोग मुनासिब सा कमीशन अपने एजेंट्स को पे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी इन्वॉल्वमेंट किसी एजेंट की नहीं है। मैं फिर बताता चलूँ, प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने बताया, लेकिन फिर भी जब आपने ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है और प्रॉपर वे में असिस्टेंस चाहिए होती है हर किसी को, तो आप लोग एजेंट्स के साथ भी रब्ता कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में बहरिया टाउन लाहौर और बहरिया टाउन कराची में हम लोग अवेलेबल होंगे, PPL टीम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। बहरिया टाउन पेशावर में भी हमारी टीम अवेलेबल है, जो लोग बहरिया टाउन पेशावर, बहरिया टाउन लाहौर और बहरिया टाउन कराची से असिस्टेंस लेना चाहें, इन 3 शहरों में सेम टाइम पे हम लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इंशाल्लाह। बहरिया टाउन रावलपिंडी में हम लोग बहुत जल्द आएंगे, लेकिन अभी हम लोग वहाँ पे अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहे। मज़ीद इस डील के हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या अप्लाई करने का तरीका है,
वो कुछ फॉर्म्स मेरे पास आए हैं, उसकी पिक्चर्स आई हैं, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं ताकि आप लोग बड़ी आसानी से इससे मुस्तफीद हो सकें और आप अप्लाई कर सकें। फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इट्स वेरी इजी कि आप लोग यहाँ पाकिस्तान में अपने जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं या आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, अब उनके अकाउंट्स में आप पेमेंट्स भिजवाएँ और वो पे ऑर्डर बनाएं फर्दर मैरियट डाउन के नाम के, या कैश पेमेंट करना चाहें या कैश के चेक देना चाहें, ये दोनों तीनों तरीकों से पेमेंट रिसीव हो जाएगी बैरिया में, यानी बैरिया एक्सेप्ट कर लेगा। और आखिर में मैं एक मशवरा देना चाहूँगा कि जिस भी एजेंट से आप लोग डील करें, आप इस तरह से डील करें, या तो उनके कंपनी अकाउंट्स में पेमेंट भिजवाइए और उनसे प्रॉपर ऑफिशियल रिसीट्स जो लेटर हेड के ऊपर हों उनसे वो डिमांड करें। सेकेंडली, आप अगर आप खुद अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, आप इस चीज़ को अवेल करना चाहते हैं, तो आप एक हाथ पेमेंट दें और एक हाथ फॉर्म अवेल करें, और उस फॉर्म को भी ओपन रखने की परमिशन आपको नहीं है। आप उसको बकायदा तौर पर बैरिया के हेड ऑफिस जाके या किसी भी बैंक में जाके आप जमा करवाएंगे, राइट। इन चीज़ों पे किसी किस्म की धोखाधड़ी के से बचना है आपने, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश होता है, बल्क में चीज़ें आती हैं, फ्रॉड के चांसेस भी होते हैं, और फ्रॉड हमेशा वहीं होता है जहां आपका ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट बन जाता है, ठीक है, या आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तो आप लोगों ने बकायदा जमा करवाना है फॉर्म बैरिया टाउन के अंदर, और बकायदा जिस एजेंट से आप परचेज़ कर रहे हैं उस एजेंट की ऑफिस की स्टैंप भी लगना नहायत ज़रूरी है, ताकि आपको ये ना हो कि आपको कल के फॉर्म कोई भी कलर प्रिंट या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करके दो नंबर फॉर्म भी बिकेंगे। इस तरह की चीज़ें भी लोग करते हैं। प्रीवियस डील्स में ऐसा हुआ, लोग पकड़े गए, लोगों को जुर्माने हुए, यहाँ पर काम करने से उनको बैन कर दिया गया, मतलब सजा हुई, जो भी कानूनी चाराजुई होती है वो फिर उनके खिलाफ की जाती है। लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हर मुमकिन फ्रॉड से बचने के लिए आप लोग फ़ौरन से हेड ऑफिस जाएं, वहां पर जमा करवाएं अपना फॉर्म। आप अपने एजेंट से रिक्वेस्ट करें कि वो ऑन टाइम आपको सारी सर्विसेज दें। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL की टीम के साथ रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।